आप सबका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। ये पार्किंग एरिया रहेगा घर का, ओल्ड घर है, 10-15 साल पुराना घर है ये। घर की पार्किंग वाला एरिया रीसेल में आया है घर, और बहुत ही शानदार है पार्किंग वाला एरिया रहेगा ये। यहाँ से हम फ्रंट गेट रहेगा 1835 स्क्वायर फीट पर बना हुआ अप्रॉक्स, और बहुत ही अच्छी प्लानिंग है इसमें, इसमें पार्किंग अच्छी दी हुई है आपकी। इसमें आप कार पार्क कर सकते हो इजीली, बने साइड में ही है ये वाला घर भी, और बहुत ही शानदार प्लानिंग में है ये। देखिए आप, ये पुराना घर, लिविंग हॉल है प्लस डाइनिंग एरिया दोनों है। ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर हॉल में से दी हुई है, और पहले के हिसाब से बहुत अच्छी स्पेशियस अच्छी प्लानिंग में है ये घर। पुराना जरूर है, कंस्ट्रक्शन एकदम नया जैसे लग रहा है इसमें अभी। ये यहाँ पर आपका कॉमन रेट बन रहेगा, इस तरफ इंडियन स्टाइल में है ये, इस तरफ दोनों में अलग 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 है। प्रॉपर दिया हुआ था उस टाइम पे भी, सामान रखने के लिए ये आपको ऊपर दिया हुआ है, रिक बने हुए हैं जो पहले के घरों में रहते थे। और ये हॉल का व्यू आपका रूम बेडरूम से, और बहुत ही जगह दिख रही है इसमें हॉल, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी प्लानिंग हो रही है। किचन, किचन में भी प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, नॉर्मल सा किचन है, मॉड्यूलर किचन नहीं है। ये पीछे वॉश एरिया रहेगा, और बहुत ही बड़ा वॉश एरिया है। आप पहले के प्लानिंग के हिसाब से देखें तो पहले के लोग कैसे उससे भी ज़्यादा डिफरेंस करते थे, उस हिसाब से बना हुआ है वॉश एरिया। किचन, किचन में नॉर्मल सा किचन है, और इसमें रेक बनी हुई है ऊपर सामान रखने के लिए। तो ये है ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग, और डाइनिंग एरिया, कॉमन लेट बाथ, बेडरूम, किचन, और ये हॉल से हम जाते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। ये स्टेयर्स रहेगी इस तरफ से, स्टेयर्स हम ऊपर जाते हैं, पहले की स्टेयर्स बनी हुई है स्टेयर्स भी। यहाँ से हॉल का व्यू स्पेशियस दिख रहा है इसमें। जाते हैं
लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जाने के लिए, छत पे जाने के लिए और एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए यहाँ पर जगह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सलोनी प्रॉपर्टी ब्लॉग। थैंक यू।